सोनकच्छ तहसील के अधिकतर गांवों में लगातार दूसरे वर्ष सोयाबीन की फसल बांझ रह गई है, जिसे अन्नदाता किसान एक बार फिर लाचार और कर्जवान दिखाई दे रहा है। किसानों ने प्रशासन से खराब बांझ फसलों का सर्वे कराकर राहत राशि देने की मांग की है। किसानों ने सोसाइटियों से कर्जा लेकर बड़ी मेहनत से सोयाबीन की फसल उगाई थी, किंतु फसल बांझ रहने से अपने हाथों से फसल को काट कर फेंकने को मजबूर हो रहे हैं, तो कोई किसान पशुओं को फसल खिला रहे हैं। तहसील के खिरिया जागीर, बावड़िया, पिपल, रावा सहित अनेक गांवों में किसानों ने खड़ी बांझ सोयाबीन की फसल को काटकर फेंक दिया है। किसानों का कहना है कि बांझ फसल को रखने का कोई मतलब नहीं है, एक बार फिर इसमें नई उम्मीद से दूसरी फसल लगाएंगे। क्या समस्या आपकी? ये सर, हमारे गांव में खिरिया जागीर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, यहाँ पे सोयाबीन सब बांझ रह गई है। ये सब सोयाबीन काट काट के किसान पशुओं को खिला रहे हैं। आसपास के गांव में भी सभी बांझ की शिकायत आ रही है, तो हम चाहते हैं कि इसका अधिकारी इसके लिए यहाँ आए और इसका सर्वे करे। पूरी फसल नष्ट हो गई है, किसान परेशान है। 2 साल से हमारे यहाँ बीमा भी नहीं आया है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ के सर्वे हो इसका। तो आपको फसल बीमा नहीं मिला क्या पिछली बार का? सर, 2 साल हो गए। दो साल हो गए जी।